So hey guys welcome back to another very important video session from your own channel NEETU in 10 my name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor at this particular platform In this video we are going to talk about the second simple permanent tissue that is your colenchyma So in the last video we already talked about the basic definition of permanent tissues we have bifurcated them into simple permanent tissue and complex permanent tissue or usme se humne parenchymatous. टिशू की बात कर ली थी आज हम कॉलन कायमा की बात करने वाले हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप अच्छे तरीके से इन चीजों को कंसेप्चुलाइज कर पाएं सो गाइज दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वैडमीज लर्निंग एप दिस ऐप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर बट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस ऐप यू नीड टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन सेक्शन ऑफ नीट यू जी

विपिन नाम का कोड इंप्लीमेंट करते हैं टेन परसेंट अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ तेरह सौ रुपये पर मंथ देने होंगे यानी आप अपनी मंथली कॉस्ट को पाँच गुना तक रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पैक दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट द कोड विपिन एंड टू टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ वन टू ईयर क्योंकि इसमें आपको टेन डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरे सारे पी नोट्स मिल जाएंगे आपको मेरे सारे इंपॉर्टेंट डीपीपी शीट्स मिल जाएंगी और कुछ आपकी ई e बुक्स मिल जाएंगी इसके साथ साथ आपको मेरी खुद की बुक की हार्ड कॉपी मिल जाएगी एट योर हाउस एज ए गिफ्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मेरा एक साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा मेंच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लें और विपिन कोड को इस्तेमाल करें विपिन कोड को यूज करें कॉलन काइमा की बात करते हैं सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की पैरन कायमा की जिसके फंक्शन क्या क्या थे फोटो सिंथेसिस स्टोरेज एंड सिक्रीशन वहां पर वॉल आपकी सेल्यूलोस की बनी हुई थी

द लेयर बिलो एपिडर्मिस इज फॉर्मड अप ऑफ कॉल एनकाइमा यानी डायकॉट के अंदर जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉल एनकाइमेटस होती है आपको डायरेक्ट यहीं पर एक हिंट मिल गया तो आपको एक पॉइंट डायकॉट का पहले याद हो गया और राइट इट इज फाउंड ईदर एज होमोजिनस लेयर यानी कि ये जो आपका यू नो you know, यहां पर प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस आपका या तो होमोजिनस लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या फिर ये आपका छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है ओके ये पैचेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है सो इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थीड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज हैमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन यानी आपका अगर मैं यहां पर पेरेंट काइमेटस सेल बनाऊं तो इस पेरेंट काइमेटस सेल में सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल थी जो कि काफी थिन थी लेकिन अगर मैं यहां पर आपके कॉलन काइमा का सेल बनाऊं तो कॉलन कायमा के सेल में यहां पर अगर आप कॉर्नर देखोगे यह कॉर्नर यहां पर थिक है ये यह कॉर्नर यहां पर थिक है क्यों क्योंकि इनके ऊपर डिपोजिशन हो रखी है किस चीज की आपका सेल्यूलोज तो यहां पर पहले से प्रेजेंट था सेल्यूलोज के साथ साथ आपका हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन भी यहां पर प्रेजेंट है जो कि इन कॉर्नर को रिजिड बनाता है ओके सो तो कॉलन काइमेटस सेल जो है ये आपके ओवल हो सकते हैं स्पेरिकल हो सकते हैं पॉलीगोनल हो सकते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं सो so, जब जब ये क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होंगे तब तब ये फूड एसिमिलेशन में भी काम करेंगे और अगर क्लोरोप्लास्ट समझ लीजिए कॉलन कायमा में एबसेंट है तो उस टाइम ये फूड एसिमिलेशन में काम नहीं करेंगे एज सिंपल एज दैट यानी आपके क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस पर ये डिपेंड करता है कि बेसिकली ये फूड एसिमिलेशन में वर्क करेंगे या नहीं इनकी शेप जैसा हमने बताया राउंड हो सकती है पॉलीगोनल हो सकती है जैसे यहां पर मैंने आपको पॉलीगोनल बना के दिखाई है सो हेक्सागोनल शेप मैंने यहां पर बनाकर दिखाई है तो सारे सेल्स आपके एक जैसे होंगे हेक्सागोनल होंगे अगर मैं ओवल बनाता तो सारे सेल्स को मैं ओवल बना देता यहां पर ओके सो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है यहां पर एब्सेंट होते हैं क्यों क्योंकि आपके कॉर्नर्स एक के बाद एक बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से पैक्ड हैं और इनके बीच में यहां पर थिकनिंग भी प्रेजेंट है ओके So, ये जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से पैक हो जाते हैं इनके बीच में कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा सो so, जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस आपका पेरेंट काइमा में प्रेजेंट था यहां पर वो इंटर स्पेस यहां पर आपका कॉलन काइमा में क्या है एबसेंट है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ है इनमें स्ट्रेंथ किसकी वजह से है सेल्युलज और पैक्टिन की वजह से सो so, जो आपके यंग स्टेम होते हैं जो बेसिकली आपकी ज्यादा रिजिड नहीं रहती या फिर जो आपका पेटियोल ऑफ लीफ है जो लीफ ब्लेड को पकड़ के रखता है इनको आपका स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है आपके कॉल एंड कायमा प्रोवाइड करते हैं ओके okay? सो so, यहां पर जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या है आपका ये आपका सेंट्रल वैक्योल है जो प्लांट में नाइनटी ऑफ द एरिया को इनकॉर्पोरेट करता है ओके okay? ये आपका हरा वाला जो रीजन है ये क्या है उसके बाद साइटोप्लाजम है यानी आपका प्रोटोप्लाजम रीजन है ये ओके okay? ये जो आपको पिंक वाली दिख रही है दैट इज बेसिकली सेल वॉल और यहां पर ये जो लाल कलर के दिख रहे हैं ये वाले आपके थिक कॉर्नर हैं जिनपे डिपोजिशन हो रखी है आपकी सेल्यूलोज वॉल okay? आपकी सेल्यूलोज की बनी रहेगी दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस हम सब लोगों को पता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्लांट्स राइट नाउ ओके सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई समझ में आई कॉलन कायमा के बारे में अगर आप जान गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन टेन अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं 2021-22 के बैच में तो आप मेरा कोड विपिन कोड एम्प्लाई करके एन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट खींचकर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भेज सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट एंड और बेसिकली आप लोग यू नो मेरे मेंटोरशिप पैक में भी एनरोल हो सको उसके लिए जरूरी है कि आप मुझे स्क्रीन भेजो तो सब्सक्रिप्शन लेते ही फटाफट स्क्रीन मेरे पास भेज देना आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर जय हिंद